भाई आपकी जीएफ कितनी है, गर्लफ्रेंड कितनी है भाई, ये क्या पूछ लिया यार, दर्दनाक। आप अभी तक भर दे दो भाई, ये वाला कट है ये कट है भाई। मंथली पैकेज कितना है पर मंथ का पैकेज? 47 क्या है? 47 भाई फिलहाल तो ग्रुप है और आने वाले टाइम पे ये ब्रांड होने वाला है। कबीरा हेलो वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल ओगी पर्सनल ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग क्यू एन ए ब्लॉग होने वाला है, जो कि मैंने पोलिंग डाली थी इंस्टा पर क्यू एन ए के लिए, क्योंकि आई पापा को टॉपिक भी था नहीं भाई, और थोड़ा माइंड भी अपसेट था क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था आपको पता है, तो भाई समझ लो थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इस वजह से फिर मैं सोचा कि भाई बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे तो फिर सबके आंसर करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, सारे नोटेड डाउन है अपने चिराग भाई के फ़ोन में। आपका फ़ोन का डेटा कहाँ दिखाना, सेव है? तो भाई जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जो मेन क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैंने पिकअप करे हैं, और बात बाकी के भाई सवाल का जवाब दिया जाएगा, और किसी का रह जाए या फिर किसी और का भी भाई हो तो आप अपने कमेंट डाउन्स करते रहा करिए, और सबके ऐसे ऐसे लेके भाई इकट्ठा करके फिर कभी एक और क्यू एन ए वीडियो बनाएंगे और सबके जवाब दिया करेंगे। भाई देखते हैं भाई पहला क्यू एन ए सवाल है, सवाल के जवाब देखते हैं क्या ही होंगे, क्योंकि सवाल मैंने कुछ पढ़े थे और कुछ मैंने पढ़े भी नहीं, बाद बाकी वो चिराग ने पढ़ रखे, मैंने कुछ पे ध्यान दिया था, मतलब कुछ ही स्टार्टिंग में देखे थे, फिर उसके बाद भाई टाइम नहीं मिला, तो सही है देखते हैं। और चलो कर क्या रहे हो यहाँ पे? गली में नहीं देख रहे तुम, धूम्रपान कर रहे हो और छुपा रहे हो, घर तक जाएगी ये तुम्हारे वीडियो। यही लोग होते हैं भाई जो अपने घर वालों का नाम रोशन करते हैं धुआं उड़ा उड़ा के। तब मैं भाई रेडी होता हूँ, यहाँ बैठेंगे अपनी हॉट सीट पे, ये वाली हॉट सीट रखे हैं, फिर ये वाली लेते मेरे हिसाब से, तो ये सही है यार, इस पर थोड़ा कंफर्ट रहेगा मस्त बैठ के। तो मिलते हैं गाइस आपको थोड़ी देर में ही क्यू एन ए के साथ। पिया है सिगरेट हैं गंदे बच्चे पीते हैं, तो आप गंदे हैं। और सुन जेन्युइन ही सवाल पूछिए, फालतू की बसड़ मत पूछना भाई, जवाब नहीं मिलेगा, जो जेन्युइन हो ना वही वही खाली मेन क्वेश्चंस का मेन आंसर मिलेगा। और संजो काफी एक्साइटेड लग रहा है, मुझे लग रहा है संजो तुम्हारा सवाल क्या है। संजो कह रहा है ओ मेरा सवाल ये है, मुझे गोदी में बैठा लो या हॉट सीट पे बैठना है? हॉट सीट पे बैठोगे तुम? रुको बैठा लेंगे, पहले हम सवाल के जवाब देंगे उसके बाद तुम, ये ना मानेगी चिराग, एक काम कर इसके साथ करेगा क्यों है ओए, अरे धूम्रपान ओ मान जा लड़की, हटो संजो सर, अरे मार मत भाई सर, अरे नहीं बाबू है बाबू, नो कौन मार रहा है, अटैक करो चिराग पे अटैक, अरे ये नहीं सुनेगा भाई, क्या है क्या चाहिए, जाओ पागल सी लड़की हट जा, क्या चाहिए चले रेडी, रुक जाओ संजो, तो ये कुछ तैयारी हो रही है हमारी क्यू एन ए वीडियो के लिए, ये क्या है इसमें, लो है क्या इसमें ट्राईपॉड, अच्छा चल ठीक है, वो सबको पता है इसमें ट्राईपॉड ही होगा भाई मोबाइल स्टैंड बाई करने के लिए, तो पूछ रहे हो नहीं पूछ रहे तो मैं नॉलेज है इसकी नहीं है, आराम से खोलो, अरे नहीं पैसा गया भाई, ओहो वेरी गुड संजो बहुत एक्साइटेड है, गंदगी कर तो रहे हो सफाई तो नहीं करनी जितना तुम फैला रहे हो, आराम आराम लाइट लाइट खोलो, आराम से भाई ना इतनी बहुत है, सेट रहेगा बाद बाकी तो वो सेट कर लेंगे वीडियो देख के कि कितने पे आ रहा कितने पे नहीं, चोरी ये तो फालतू में कह दिया होता है इसको।
वाटर लेवल देखो। चल भाई देख, प्रोफेशनली कर तू सब काम। चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। तो क्या है चला भाई, लोगों का पहला क्वेश्चन पूछो भाई। पहला क्वेश्चन तो यही है कि एज कितनी है भाई। एज का सीन यार, एज का जान के करता ना भाई। आप लोग शादी करवानी है यार मेरी, बस इतना मान लो 18 प्लस है, ठीक है। और इसी इंसान का एक और क्वेश्चन है, व्लॉग के अलावा क्या करते हो भाई? ब्लॉग के अलावा देखो मैं आपको बताऊं, बिजनेस चल रहा है और सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ प्रॉपर, तो शेयर मार्केटिंग वगैरह वही चलता है। तो ब्लॉगिंग तो अपना ये साइड पैशन है और शेयर मार्केटिंग। इसी में ही तीसरा क्वेश्चन है कि पढ़ाई में क्या करते हो भाई? पढ़ाई में मैंने भाई 12th कर रखी है, 12th कर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी थिंकिंग है भाई, पढ़ाई में स्कोप वो था ही नहीं जो बिजनेस में, इस चक्कर भाई मैंने पढ़ाई छोड़ दी, खाली 12th कर रखी मैंने पढ़ाई में। सेकंड क्वेश्चन, कौन से स्कूल में थे पहले? भाई मैं असिसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, एलकेजी से लेके 9th क्लास तक, फिर उसके बाद मैं लेमरा हूँ और फिर 12th बाद में पढ़ाई छोड़ दी। दोबारा से रिपीट क्वेश्चन, कितनी उम्र एज है भाई? यार एज वाला मैं आपको क्या करोगे भाई, एज का जान के शादी करवानी है मेरी, ये बताओ। बस 18 प्लस है, बस ये मान लो, बात खत्म यार। लगा लेना अपने हिसाब से 18, 19, 20, 21 और 22, ये चार पांच गैसिंग दे दिए तो उसमें से आप गैस कर लेना होगी, एज नहीं बताऊंगा प्रॉपर भाई। ब्लॉग लेट डालने का सीन बस यही है कि एक तो कंटेंट नहीं मिल पाता, समझ रहे हो, और भाई स्टार्टअप में मेरा ब्लॉगिंग चैनल का तो इतना आइडिया नहीं है कि मतलब रोज शूट करके रोज डालो, क्योंकि भाई इसके अलावा भी अन्य काम होते हैं मेरे पास, समझ रहे हो भाई। फैमिली में रहता हूँ, ये तो है नहीं कहीं बैचलर्स हैं भाई बाहर रह रहे हैं तो खाली ब्लॉगिंग कर लिया कुछ भाई, घर के भी काम होते हैं अपना भाई, शेयर मार्केटिंग देखना पड़ता है, सारा बहुत से काम होते हैं, तो इस चक्कर भाई रोज शूट नहीं कर पाता। बस कोशिश रहेगी आने वाले टाइम पे भाई प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँ, डेली की डेली ही डालू, मतलब समझ रहे हो ना, इतना सपोर्ट मिलेगा उसी के हिसाब से आपको ब्लॉग मिलेगा। बस यही आपको सपोर्ट करो और भाई ब्लॉग्स तो आती रहेंगे। एयर पे वैक्स कौन सा यूज करते हो? वैक्स भाई यार कोई सैलून बोले था भाई, मैं हेयर वैक्स तो बताना है यार, ये भी कोई क्वेश्चन होता है। चलो ठीक है बता देता हूँ भाई, मैं अर्बन गबरू का एयर वैक्स यूज करता हूँ 2.0। ग्रुप में लोगे क्या? अच्छा 47 ग्रुप में भाई 47। हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है भाई, इंस्टाग्राम पे भी आता है और जो लोग मुझसे मिलते हैं और ब्लॉग पे भी आते रहते हैं भाई कमेंट्स कि भाई मुझे ग्रुप में ऐड होना है, ग्रुप में कैसे हूँ, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस। तो भाई मैं आपको पहले बता दूँ, 47 ग्रुप में भाई ऐड होने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ये सब आप ही लोगों का ग्रुप है और आप लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ तक स्टैंड कर रहा हूँ। और ग्रुप में आने का बस कुछ नहीं है भाई, दिल से मानना चाहिए यार, दिल में जगह होनी चाहिए यार ग्रुप में आने से, ये थोड़ी के भाई कि ग्रुप में आने के लिए कि भाई प्रॉपर कोई बैनामा होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड भाई लिंक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यही है लोग भाई जो मानते हैं वो अपनी गाड़ी बाइकों पर 47 लिखवा लेते हैं और भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह पे 47 लगा रखा भाई, बस सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको भी करना है तो फिर यही कर सकते हो, उसके अलावा ऐसा कोई और नहीं है इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन या चार्जेस के भाई ग्रुप में ऐड होने के लिए यही करना पड़ेगा। न्यू स्कॉर्पियो की बुकिंग का क्या हुआ भाई? न्यू वाली स्कॉर्पियो का बुकिंग का सीन कुछ ये है कि आप लोगों को पता है भाई अभी मेरी सफारी का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी डिलीवरी वैसे भी जनवरी के एंड और फेब के स्टार्टिंग में थी, बट एक्सीडेंट होने की वजह से थोड़ा माहौल समझते हो ना, तो बैलेंस होता है वो थोड़ा अप और डाउन हो गया, क्योंकि भाई जिंदगी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो बस यही है कि थोड़ा सा डिले हो गया, बाद बाकी का भी जो बुकिंग टोकन अमाउंट था वो अभी भी जमा है और थोड़ा भी टाइम सही होगा, पहले तो सफारी का हुआ फिर उसके बाद भाई आएगी, बहुत जल्द आ जाएगी, बट ये फेब छोड़ के मार्च में पक्का डन। सफारी नहीं आती तब तक किस पे चलोगे भाई? सफारी नहीं आती तब तक किस पे चलेंगे भाई? मेरे पास सफारी के अलावा भी 3 से 4 गाड़ियां और हैं, जैसे स्कॉर्पियो एडवेंचर, एक स्कॉर्पियो, एक क्वालिसर और सफारी भाई, तो किसी भी गाड़ी में चल लेता हूँ। और बाद बाकी भाई बाइक है तो अभी तो भाई KTM पे चल रहे हैं, ब्लॉग में देखा ही था लास्ट, तो फिलहाल तो भाई मैं KTM पे चलता हूँ। और रेयर केस में बाहर निकलना होता भाई काम होते तब, और कहीं बाहर का काम है तो गाड़ी ले गए, और सिटी का तो भाई बाइक से चलता हूँ, फिलहाल बाइक से चलूंगा। और 2-3-4 दिन में भाई गाड़ी आने वाली है, मैं सोचा था मतलब लगेंगे मंथ के हिसाब से, बट आज ही गया था मैं, यानी कि आप लोग देख रहे हैं आज मैं गया था एक दिन पहले, तो भैया ने बोला था 2 दिन और, यानी कि 18 तारीख को गाड़ी मिल जाएगी। यूट्यूब के बाद आप कोई और वर्क करते हो? हाँ भाई यूट्यूब के बाद मैंने आपको बताया था शेयर मार्केटिंग का काम है मेरा, स्टॉक मार्केटिंग।
रिपीट क्वेश्चन, स्कॉर्पियो कब आ रही है? अरे भाई आ जाएगी जल्दी आ जाएगी भाई, मार्च में मिल जाएगी आपको स्कॉर्पियो और सबको मिठाई मिलेगी भाई, खुश। 47 क्या है? 47 भाई फिलहाल तो ग्रुप है और आने वाले टाइम पे ये ब्रांड होने वाला है, मेरा खुद का पर्सनल ब्रांड भाई। अभी फिलहाल तो ये ग्रुप है और आने वाले टाइम पे भाई एक फ्रेंचाइजी टाइप समझ रहे हो ना भाई, तो वो बनाने वाला हूँ, मतलब ये अलग ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। और ये 47 ग्रुप है, काफी लोग पूछते हैं भाई 47 क्या, 47 भाई मेरे ग्रुप का नेम है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई 47 में क्या 47 ही लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे अपनी अपनी कंपनीज फ्रेंचाइजी इंडस्ट्रीज का नाम होता है समझ रहे, तो उसी हिसाब से भाई मेरा सीन है। तो मेरे ग्रुप का भाई नेम है 47 और उसका आप लोगों ने लोगो देख रखा 4 उल्टा और 7 सीधा। मंथली पैकेज कितना है पर मंथ का पैकेज? भाई मंथली पैकेज भाई कोई फिक्स नहीं है क्योंकि मैं कोई जॉब तो कर नहीं रहा हूँ, तो भाई कोई मंथली पैकेज मेरा फिक्स नहीं है, कभी बहुत ज्यादा तो कभी उस ज्यादा से भी ज्यादा, कभी बहुत कम, मतलब ठीक है, मतलब बढ़िया है, हो जाता अपना यार, सारी शॉप पूरे चल रहे हैं भाई। और सफारी अपनी खुद मैंने ली थी तो खुद ही ली थी मैंने सेल्फ, और उसको मेंटेन करना अपना घूमना फिरना ट्रिप खाना पीना मौज मस्ती अपनी कंट्री, मतलब ये घर वालों से नहीं लेता भाई, अपना जो भी है भाई सेल्फ करता हूँ, तो फिर लगा लेना आइडिया। मीटअप का क्या हुआ? मीटअप का क्या हुआ, आपने बोला था और कब होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये और बताना है। अच्छा जी, एक बार दोबारा रिपीट करो, समझ में नहीं आया भाई। मीटअप का क्या हुआ? ठीक है, आपने बोला था और कब होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ। भाई मीटअप का सीन ये है, पहले मैंने रखा था 1 जनवरी को, वो हो नहीं पाया क्योंकि हमारे कुछ पर्सनली प्रोग्राम थे और पर्सनल कुछ फिक्स भी नहीं था कि भाई मैं कर ही रहा हूँ, मतलब मैंने एक पोलिंग डाली थी तो पोलिंग से मुझे बहुत अच्छा मतलब वो उसका रिव्यू मिला, तो फिर मैंने फिक्स किया कि हाँ 1 जनवरी काफ़ी अच्छा है, एक गैदरिंग करते हैं सबसे मिलेंगे। बहुत से भाई लोग थे भाई कह रहे थे भैया मिलना है भाई मिलना है, तेरे से भाई मुलाकात कब होगी भाई मिल लो वगैरह वगैरह, तो फिर मैं सोचा कि एक प्रॉपर मीटअप मारते हैं और उस वजह से फिर मैंने एक मीटअप फिक्स भी किया था 1 जनवरी के लिए, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने एक और फिक्स किया था अभी ये मिड ऑफ जैन में, फिर वो भी नहीं हो पाया, फिर मैंने कही फेब में मारते हैं, बट अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो कुछ पता नहीं था कि भाई आपको मालूम भाई समय कुछ पता नहीं है, तो बस यही है कि अभी थोड़ा समय सही होगा, फिर उसके बाद फिर एक प्रॉपर अच्छा वाला मीटअप मारेंगे, क्योंकि बहुत लोग परेशान है, बहुत लोगों ने बोला भी था कि भाई मीटअप मीटअप मीटअप, तो मीटअप मारूंगा और पहला मीटअप भाई मैं अपने लोकल टी सिटी में मारूंगा एटा में, तो जिन भाइयों को मिलना हो दिल खोल के आ सकते हो, फुल सपोर्ट करो, मारते मीटअप जल्दी। अब क्या है, क्या आप अभी तक भर दे दो भाई, ये वाला कट है ये कट है भाई। भाई आपकी जीएफ कितनी है, गर्लफ्रेंड कितनी है? भाई ये क्या पूछ लिया यार, दर्दनाक भाई। जीएफ बीएफ तो कुछ नहीं, बस यही है कि हाँ एक टाइम पर बहुत कराई सब जीएफ बीएफ, खूब बनाए खूब बदले भाई, लेकिन बट वही है आप लोगों से ही बोलूंगा इन सब में कुछ नहीं होता, पर यही है भाई इन सब में टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता, फ्यूचर स्पॉइल होना है, लास्ट में दर्द मिलता है, टूटे वूटे भाई आशिकों वाले गाने लगाओ कि भाई बेटे रहो, टेंशन डिप्रेशन और डीमोटिवेशन मिलते हैं, लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला भाई, जो है घर वाले हैं लड़की कभी साथ नहीं देने वाली, ये पर्सनल भाई मैं कह रहा हूँ। 6 साल का मेरा रिलेशन था, मैं नाम नहीं लूंगा बट 6 साल का रिलेशन था, उसके बाद भी मुझे लास्ट में कुछ नहीं मिला, वही है कि हाँ लाइफ में लड़कियाँ बहुत आई बहुत गई, तो एक टाइम पर था करता था भाई, लगता था कि हाँ भाई ठीक है लड़की वाली ये वो प्यार वगैरह वगैरह, बट हो गया हाथ जोड़ लिए, मन भर गया पेट भर गया सब इस तरह से सब हो चुका, मतलब पक गया इन चीजों से भाई, तो यही है कि अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ, अपने ड्रीम्स को ग्रैब कर रहा हूँ भाई, और मैं तो आप लोगों से ही बोलूंगा कि आप भी अपने भाई लाइफ पर फोकस करो और कुछ अच्छा करो बढ़िया अचीव करो भाई, घर वालों का नाम करो। एक टाइम पे मैंने बहुत किया यार खूब लड़ाई बाजी वगैरह और लड़की बाजी, बट कुछ नहीं होता, तो समझ रहे हो आप लोग। आपका बिजनेस क्या है? भाई बिजनेस यही है मेरा, कार फोर सेलिंग का काम है और स्टॉक शेयर मार्केटिंग और साइड बाई साइड यूट्यूब ब्लॉगिंग। आपसे बहुत लोग जलते हैं, गंदा कमेंट करते हैं, ऐसा क्यों है? भाई देखो साफ सीधी बात है, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे ही, जब आप आगे बढ़ोगे तो भाई आपको लोग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और नीचे वो नहीं खींच पाएंगे क्योंकि आपकी उड़ान है ना बहुत हाई है,
और अगर आप अपनी उड़ान ऐसी हाई रखोगे तो भाई लोग जलेंगे, क्यों, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। तो बराबरी नहीं कर सकते तो भाई जल सकते हो, जलने वाला भाई खाली बुरा ही बुरा बोल सकता है, बुरा कमेंट करता, बुराई बोलता, बुराई सोचता। तो भाई लोगों का ध्यान क्यों देना, हमारे चाहने वाले हैं, घर वाले हैं और अपने भाई बंधु हैं इतने यार, और आप लोग इतना प्यार सपोर्ट करते हो भाई, तो क्या मतलब है हेटर्स पे ध्यान देने का, हेटर्स का तो काम है भाई, तो करने दो, फक ऑफ। समाप्ति, बस यही क्वेश्चन थे, मैं तो सोच रहा था बहुत बड़ा फर्रा लेके आए हो तुम, जितनी डिमांड थी उतना पूछ लिए। बाकी फ्रेंड्स क्वेश्चन थे सब बेकार क्वेश्चन, मुझे कोई और हो जेनुइन उठा के पूछो भाई, किसी का कोई सवाल हो अंतिम, बढ़िया जेनुइन जो लग रहा हो आपकी किताब में, जब तक हमको का दिखाओ। एक क्वेश्चन और मिला अभी जिस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, आपने सफारी क्यों ली, एक्सयूवी 700 क्यों नहीं ली? भाई 700 का जो रोड प्रेजेंस है ना भाई, वो उतना है नहीं सफारी के मुताबिक। भाई सफारी मतलब मेरी ना एक ड्रीम कार थी कह सकते हो, कि जब ये नहीं आई थी जब ये सफारी, उससे पहले जब आती सफारी स्ट्रॉन्ग भाई, उस टाइम से मेरे एक फ्रेंड पे थी, तो मेरे को भाई वो मिलने आए, मतलब मेरा उसका मीटअप हुआ था नोएडा में, तो मैंने उसको जब बुलाया तो मेरे पास आया बंदा, तो भाई उस टाइम वो सफारी लेके आया था, और उस टाइम मैं अपनी मतलब सपनों की उड़ान भरने के लिए भाई निकला ही था, तो मैं कुछ टाइम के लिए मंथ दो मंथ के लिए भाई नोएडा गया था, थोड़ा माइंड फ्रेशअप के लिए और थोड़ा सीखने समझने के लिए, बाहर की दुनियादारी देखने के लिए। तो उस टाइम भी मैं सोचा था कि भाई गाड़ी लूंगा पहली तो सफारी स्ट्रॉन्ग लूंगा सेकेंड हैंड, बट जब चलता रहा अच्छा और सब कुछ चला, तो उस टाइम फिर भाई कमा लिया ठीक ठाक पैसा, तो फिर जब गाड़ियां देखी तो भाई सबसे पहले देखी स्विफ्ट, स्विफ्ट के बाद फिर मैंने देखी क्रेटा, क्रेटा के बाद देखी अल्कजार, अल्कजार के बाद देखी मैंने एमजी हेक्टर, फिर देखी अपनी ये टाटा सफारी, वो उसका डार्क एडिशन, और डार्क एडिशन भाई अपने एटा में है भी नहीं। हाँ थार भी देखी थी, बट थार भाई घर वालों ने मना कर दिया था कि भाई नहीं थार नहीं लेनी, उसमें भाई दो लोग बैठने का सिस्टम है, चार लोग मतलब चार बैठते हैं, बट बैठने का मेन सिस्टम दो लोग का, क्योंकि भाई गेट ही नहीं है, तो पीछे वालों को दिक्कत होती है, तो इस वजह से फिर मैंने टाटा सफारी बुक करी थी और अल्कजार बुक करी थी, क्योंकि सेकंड हैंड का सीन ये था कि भाई उससे पहले मेरे पे दो स्विफ्ट थी, तो मतलब सेकंड हैंड या सेकंड हैंड ही होती है मतलब, उसमें पैसा लगाते रहो फिर समस्या आती है एक टाइम पे, तो फिर घर वालों ने बोला अगर तुझे लेनी है तो कोई सी भी नई गाड़ी ले ले, उसके लिए मना नहीं करेंगे, तो फिर भाई काफी सारी मार्केट में इतनी गाड़ी आ रखी, तो मैंने देखी तो एक अलगदार समझ में आई, फ्यूचरिस्टिक थी, अच्छी थी, और उसके बाद फिर एक सफारी, तो मैंने दोनों ही बुक कर दी थी, और इन दोनों में मेरा सीन ये था कि जो मुझे सबसे पहले दे देगा डिलीवरी मैं वाली गाड़ी ले लूंगा, तो अल्कदार वाले का इतनी जल्दी नहीं हो पाया जितनी जल्दी सफारी का होगा, तो भाई सफारी ले ली, और मेरी सफारी ड्रीम कार थी, सफारी स्ट्रॉन्ग, सेकंड हैंड लेने की सोची थी, घर वालों ने मना कर दी, तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई नहीं लेते, तो फिर ऊपर वाले ने भाई इतनी सुनी कि सफारी भाई नई दिलवा दी, वो भी डार्क एडिशन, वो भी अपने जिला में ही थी, 4700 वो मेरी है भाई। उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन है लास्ट वाले दो भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ये तो भर रहा, इनका तो कोई सेंस नहीं बनता आंसर देने का, चलो जो भी है बढ़िया क्वेश्चन से लोग ही थिंकिंग, मतलब काफी सारे डाउट थे भाई, ये है कि भाई क्लियर हो गए, और मैं भी चाहता ही था क्योंकि इंस्टा पे भाई कोई मैसेज करता है वरना कभी कोई लाइव मिल गया रैंडमली के भाई ये मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करते ही रहते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों एनी वीडियो बनाते, क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं था, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद थोड़ा माइंड अपसेट सा हो गया था, तो फिर मैं व्लॉगिंग कर नहीं रहा था, फिर मैं सोचा कि भाई जब तक ये काम करते हैं वो लाइट चली गई, चलो कोई नहीं, तो फिर मैं सोचा कि भाई जो भी सवाल है जवाब उनके देंगे, क्यूएनए बनाते, तो क्यूएनए की पोलिंग डाल दी थी मैंने इंस्टाग्राम पर, तो काफी लोगों ने भाई रिस्पॉन्स दिया, उसी में से कुछ अच्छे अच्छे सवाल सब लोगों ने निकाले, और बढ़िया है आगे भी क्यूएनए वीडियोस आती रहेंगी, और भाई किसी का कोई क्वेश्चन हुआ करे तो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भाई, डीएम कर दिया करो, और बाद लोग ये कमेंट सेक्शन दिया ही है यूट्यूब वालों ने, इतनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवा रखी है, तो भाई उसमें भी छोड़ दो, फिर कभी भाई कलेक्ट हो जाएगा डेटा क्वेश्चंस का, तो फिर कभी और आंसर देंगे इनके, तो फिलहाल आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही थे। After Q&A video vlog, Chirag bhai is like that with hookah and popcorns. ये कौन से मसाले वाले? अपनी तरफ से ही बना रखे हैं गाइस ये वाले, ये मतलब नॉर्मल आते हैं सॉल्टेड, इसके ऊपर से येलो येलो दिख रहा है ना भाई, यो है मैगी मसाला, वो भज के धर रहे हैं, और सिंजो ने भाई टाइम देखो बज रहे हैं जी, कितने बज रहे हैं 3:30, सोने का नाम नहीं ले रही है, कह रही है खाने चैटरे में मिल ही रहा है भाई, व्लॉग में आ ही रही हूँ, प्रॉपर फेमस हो रखी हूँ, ये लगाओ लू चटका दिया,
तो भाई सब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, और जिनके नहीं मिले भाई नेक्स्ट क्यू एन ए में सबके मिल जाएंगे। और बाद बाकी किसी का कोई सवाल हो तो भाई सवाल आप लोग भेजते रहा करिएगा, भाई तुम्हारा जवाब देता रहा करेगा। भाई समय आ चुका है ब्लॉग को एंड करने का, इसको भाई एडिट करके भाई आप लोगों तक पहुंचा देंगे सुबह 10 या 11 बजे तक ऐसा आ जाएगा ये आप लोगों के पास तक ब्लॉग, ठीक है ना। तो तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, यो ये ट्रैक्ट आगे छोड़े बैडी आगे छोड़े।